नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एक मजबूत विदेश नीति किसी देश के लिए महत्वपूर्ण, और यह पेट्रोल से लेकर आईफोन की कीमत तक हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के मेगा पब्लिक आउटरीच के तहत NIT दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि इस दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण गलत सिग्नल था। जांच में सिग्नलिंग और दूरसंचार विभाग में कई स्तरों पर खामियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि पिछले चेतावनी संकेतों की सूचना दी जाती तो त्रासदी को टाला जा सकता था। अमेरिका ने सोमवार को MEPC सत्र में भारत द्वारा रखे गए जैव ईंधन पर एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक दिया। उसने इस मामले पर और चर्चा की मांग की है। बता दें कि भारत का मसौदा MEPC संकल्प में जैव ईंधन को आगे बढ़ाना है। इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक और GHG उत्सर्जन में कमी लाना है। ट्विटर के ऑफिशियली सभी के लिए ट्वीट डेक का अपना नया वर्जन लॉन्च कर रहा है, जो कि ट्वीट डेक में पर हाल में ही आ रही कुछ समस्याओं को कम करने में मदद करने के लिए एक कदम है। ट्वीट डेक 30 दिनों में एक वेरीफाइड फीचर बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इसके इस्तेमाल करने के लिए ट्विटर ब्लू की मेंबरशिप के लिए चार्ज देना होगा। कुछ समय पहले एक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान अब मैट पर लौटने की तैयारी में जुट गए। खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन खेलों के लिए जल्द ही ट्रायल्स का आयोजन होने वाला है। धरने पर बैठे खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिसकी उन्हें अनुमति मिल गई थी, लेकिन 3 बार की कॉमनवेल्थ चैंपियन विनेश फोगाट के लिए मुश्किल यह है कि उन्हें हंगरी जाने के लिए वीजा नहीं मिला। बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भागलपुर तक पहुंचाने की मांग की गई है। ये एक्सप्रेसवे बक्सर तक प्रस्तावित है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की है। बिहार की लंबित परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से बात की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर से भागलपुर तक जोड़ने की योजना पर चर्चा की गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को यथार्थवादी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। भारत ने IMO को कहा है कि 2030 तक समुद्री ईंधन मिश्रण के 5% में शून्य कार्बन हो। IMO की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के 80वें सत्र में भारत भी शामिल हुआ। सत्र में भारतीय प्रतिनिधि अजित कुमार सुकुमरन ने कहा है कि अब वास्तविक लक्ष्य सरकारों पर अनुचित दबाव डालेगा। पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद ली जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का कार्य बेहतर गुणवत्ता से होगा। वहीं पंजाब के मौजूदा स्रोतों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। पंजाब मंडी बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पंजाब में ग्रामीण सड़कों की आवश्यकता के आधार पर निर्माण के लिए AI शुरू करने की मंजूरी दी है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन इंडस्ट्री ने PSD चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता किया है। इस करार के तहत खेल और मनोरंजन उद्योग परिसंघ यानी CSRI और PhD के बीच नॉलेज भी साझा किया जाएगा। MOU के मुताबिक PhD, CCI और CSRI दोनों अन्य गतिविधियों के अलावा एक वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन की भी स्थापना करेंगे। यह शिखर सम्मेलन न केवल खेल उद्योग के लिए खेल क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, बल्कि उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग, संयुक्त उद्यम और नेटवर्किंग के लिए एक अवसर के रूप में काम करेगा। यह खेल और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। सोमवार की शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, जीकेशन रेड्डी समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल की संभावना को लेकर विचार विमर्श हुआ है। बैठक से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि हमारा फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर है। बैठक में यह भी कहा गया है कि जिन मंत्रालयों को जो भी बिल लाना है वह जल्द ही लाएं। इस बार का मानसून सत्र पुराने संसद में ही होगा। इंटरनेट में जो कुछ मौजूद है वो गूगल को चाहिए, यानी आपके रिव्यू, बातें, टेस्ट, लोगों की पसंद और आदि तमाम चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, वह सभी गूगल को अपने AI बॉट को ट्रेन करने के लिए चाहिए। गिजमोरो की रिपोर्ट के अनुसार गूगल की अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी बताती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जैसे गूगल बोर्ड, गूगल ट्रांसलेट और क्लाउड AI क्षमताओं को बेहतर बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी जानकारी का उपयोग करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल और अन्य कंपनियों के लिए इंटरनेट AI प्लेग्राउंड बन चुका है, जहां से वे अपने AI टूल को ट्रेन कर रही है। कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने को लेकर भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसके बावजूद यहां मौजूदा कई अलग अलग गुट भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं।
इसी बीच खालिस्तान समर्थकों ने ऐलान किया कि वो 8 जुलाई को ओटावा में भारतीय हाई कमीशन और टोरंटो वैंकूवर में दो वाणिज्य दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर भारत की तरफ से सख्त आपत्ति जताई गई है। भारत ने ट्रूडो सरकार से कहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शादीशुदा मर्दों में आत्महत्या करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, इस याचिका में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला भी दिया गया और कहा गया कि पुरुषों की समस्याओं को समझने और उनके हल के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता है, हर मामले में अलग परिस्थितियां होती हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि शादी के पहले 3 साल के भीतर कितनी युवा महिलाएं मर जाती हैं। दरअसल अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आज भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि देश दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और वह डिजिटल प्रौद्योगिकी और 5G जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। यहाँ स्थित प्रशांति निलयम में नवनिर्मित साई हीरा वैश्विक सम्मेलन केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। बीते सप्ताह लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज कुमार ने बोला कि अगस्त में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर फोकस होने वाले हैं, लेकिन 90 मीटर की बाधा पार करने का कोई प्रेशर भी नहीं है। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से 3 शीर्ष मेयर स्पर्धाओं में हिस्सा नहीं लेने वाले चोपड़ा ने डायमंड लीग के लुसाने चरण में वापसी करते हुए बीते हफ्ते 87.66 मीटर की दूरी के साथ निरंतर दूसरी बार शीर्ष स्थान पर अपना नाम कर लिया। इस समय समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान के बाद यह मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यूसीसी में अपवाद की भी वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। वहीं पैनल के कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि आखिर इस समय लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर सलाह का सिलसिला क्यों शुरू किया है। अगर आप भी जियो यूजर्स हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने अपने भारतीय कस्टमर्स को एक बड़ा तोहफा देते हुए अब तक का सबसे सस्ता 4G फ़ोन लॉन्च किया है, जिससे कंपनी ने जियो भारत फोन नाम दिया है। इस 4G फोन को कस्टमर्स 1000 से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। कंपनी की माने तो इस फोन को लॉन्च करने का मुख्य कारण 2G मुक्त भारत बनाना है। दिल्ली मेट्रो में सोमवार को एक अजीब मामला देखने को मिला, जब कुछ ही घंटों के अंदर एक मेट्रो स्टेशन का नाम 3 बार बदला गया। अब दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 2 बार नाम बदलने को लेकर जानकारी दी थी। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। बॉलीवुड फिल्म 72 हुरे रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। द केरल स्टोरी की ही तरह इस फिल्म पर भी मुस्लिम समुदाय द्वारा उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया। इस सिलसिले में अब मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 72 हुरे के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की गई है। फिल्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 72 हुरे में मुस्लिम समुदाय की गलत छवि दिखाई गई है। हालांकि शिकायत पर अभी फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग बुधवार 5 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान मोटे अनाज की खरीद के लिए कार्य योजना तैयार करना है। PMGKAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर चर्चा करना, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का प्रसारण करना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इसे मजबूत बनाना है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि पिछले 2 दशक में SCO पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। हमने हमारे प्रयासों को 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है, पहला वसुदेव कुटुंबकम और दूसरा सिक्योर यानी सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट व अन्य हमारे SCO का विजन है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ SCO में सहयोग के 5 नए स्तंभ बना है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन व अन्य। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने UCC को लेकर एक मांग रखी है। बोर्ड ने कहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी से जिस तरह से खबर आई है कि आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा, वैसे ही मुसलमानों को भी इससे बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है। हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है।
अमेरिका और चीन के तनाव से भारत को एक बड़ा मौका हाथ लगा है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में प्लांट लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 जुलाई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 6 हफ्तों में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास समारोह होगा। बता दें कि गुजरात में कारखाने के लिए जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा दिसंबर 2024 से चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नए वित्त वर्ष के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अप्रैल से जून की पहली तिमाही खत्म हो चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के खत्म होने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मौजूदा वित्त वर्ष के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बेमौसम बारिश और मानसून में देरी के चलते हरी सब्जियां लगातार महंगी हो रही है। बीते 15 दिन से टमाटर के दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गए हैं, तो अदरक और धनिया में भी कंपटीशन चल रहा है। साथ ही हरी सब्जियां भी लगातार महंगी हुई हैं। सब्जियों के दाम में हो रही बढ़ोतरी के कारण जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे का राजनीति शुरू हो गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने सब्जी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 21 जून को रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को DERC का अध्यक्ष नियुक्त किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह फैसला मंजूर नहीं है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने DERC अध्यक्ष की नियुक्ति के LG के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई में वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा था कि सोमवार को उमेश कुमार को DERC अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाए। ऐसा नहीं होने पर उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को रिमाइंडर भेजा कि मंगलवार को नए DERC अध्यक्ष को शपथ दिलाएं। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना आसनसोल गया जसीडीह रक्सौल भागलपुर और गोरखपुर देवघर के मध्य श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। साथ ही सुल्तानगंज स्टेशन पर 5 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव प्रदान करने का फैसला किया है। राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन कल यानी 5 जुलाई को आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में खरीफ खरीद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और खाद्य या पोषण सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन देशों की वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने पर सहवाद शरीफ बौखला गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत और मुस्लिमों का नाम लिए बिना ही कहा कि घरेलू राजनीतिक एजेंडे का अनुसरण करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को गलत बताते हुए उन्हें धमकाना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनयिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, अर्जुन राम, बाबूलाल मरांडी और नौसाद अंसारी। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किस फसल की खेती अधिक होती है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।